भाई भाई में मारा मारी ये लोग करते हैं भाईचारा हम तोड़ते हैं मुख्यमंत्री है रहने के लिए इधर से उधर डगमग डगमग कर रहे हैं अब कहें कि मुख्यमंत्री तेजस्वी के बना देंगे या तेज प्रताप को बना देंगे सो ही भरम पाल रहे हैं और नीतीश जी दलदल में फंस भी गए हैं जब हाथी दलदल में फंसता है तो इसी तरह लोग चित्री दिया करते हैं नमस्कार आप न्यूज फोर्डेशन देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ वंदना बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गया है कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि जिस तरह से राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तंज कसा है नीतीश कुमार को लेकर तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपेंगे इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव क्या लगता है जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने जो बातें कही आपने भी सुना होगा आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार का कर नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार किसी को नेतृत्व सौंपने वाले नहीं है वो नेतृत्व अपने पास रखेंगे अब इन लोगों के हाथ में नेतृत्व भी कहाँ रह गया सब के पावर छिन्न हो गया है देंगे भी नहीं नीतीश कुमार अति महत्वाकांक्षा के साथ पदों के साथ जीते हैं कुर्सी में चिपक के वो मुख्यमंत्री रहने के लिए इधर से उधर डगमग डगमग कर रहे हैं अब कहें कि मुख्यमंत्री तेजस्वी के बना देंगे या तेज प्रसाद को बना देंगे सोई भरम पाल रहे हैं ऐसा नहीं होता है अचानक से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हर जगह गल बहिया करते नजर आ रहे हैं चाहे वो किसी कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई भी बैठक को हो हर, हर जगह लेकिन अचानक से शिवानंद तिवारी को इस तरह से कहना कि बाबा बन जाइए सन्यासी बन जाइए कैसे देख रहे हैं इसको इसको कुछ देखने का शिवानंद तिवारी जी ने आपके बाइट में नहीं कहा है भाषण में कहा है राज्य परिषद की उनकी मीटिंग चल रही थी जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर लालू जी तक थे और लालू जी के पार्टी में एक शब्द भी कोई बगैर लालू जी के इशारे के नहीं बोल सकता है इसलिए ये शिवानंद तिवारी जी का बयान नहीं समझिए आर जे का लालू यादव जी का सहमति समझिए इनको उबीदा करने के फेर में लगे हुए हैं और नीतीश जी दलदल में फंस भी गए हैं जब हाथी दलदल में फंसता है तो इसी तरह लोग टिटकारी दिया करते हैं जैसे आज नीतीश जी को आर जे के लोग टिटकारी दिया कर रहे हैं कभी मंत्री कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की के मीटिंग में ही ललकारने लगता है कि आप मेरा नेता नहीं है अनाप शनाप बोलने लगता है कभी शिवानंद जी कहते हैं कि चलिए आश्रम में चल सन्यासी मंदिर में तो यह सब बात देखने के बाद लगता है कि नीतीश जी बुरी तरह दलदल में फंस गए और अब सबका कार्यकाल समाप्त क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज करेंगे किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नीतीश जी नहीं करेंगे नीतीश जी उनके में से थोड़ा और तोड़ के अपने साथ कर लेंगे नीतीश जी पावर शेयर और समझौता किसी से नहीं करते हैं मैं बार बार कहता हूँ नीतीश जी सब कुछ समझौता कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं पावर नहीं करते हैं पावर अपने पॉकेट में रखते हैं पाँच गो चमचा रखें ब्यूरोक्रेट्स का उन्हीं चमचों के साथ मिलके पावर अपने धोकरी में रख बिहार है। में बीजेपी विपक्ष में है आप कह रहे हैं कि शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव के इशारे से बोल रहे हैं बीते दिन आप देखे होंगे कि मंत्री सुधाकर सिंह किस तरह से अधिकारियों को लेकर के कहें क्योंकि नीतीश कुमार को अधिकारी सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं ऐसे में इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका खुद सरकार में रहते हुए आरजेडी निभा रही है विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है वो बदला ले रही है जिस तरह लास्ट टाइम इनका नीतीश जी का खात्मा हो गया था और साथ ही के सरकार बनाए थे और फिर ये छोड़ के चल दिए थे तो अब की ये छोड़ के हम लोगों के साथ से आए हैं तो ये उसका बदला निकाल रहे हैं नीतीश जी बुरी तरह दलदल में फंसे हुए हैं ये तो पलटवार है जिस तरह से उस बार ये पलटे उसी तरह इस बार ई पलट रहे हैं इनको तंग करें चूंकि नीतीश जी कमजोर हो गए हैं एम एल ए पैंतालीस गो है तो पैंतालीस गो एमएल अस्सी गो एमएल से कैसे मुकाबला करेगा तो बेचारे दबे हुए हैं सहम के तो रहना ही पड़ेगा डर के किस रहना बात ही की? किस बात की? अरे उसी का समर्थन से सरकार चलेंगे तो डरेंगे नहीं तुम्हारा पैर से अपने ना आप नहीं चल सकती हो तू किसी के पैर से आर्टिफिशियल पैर से चलोगे तो संभल के चलना पड़ेगा असहज रहता है आदमी ना दूसरा के पैर के से चलने पर अच्छा नमल जी एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से दमखम के साथ अमित शाह का आप लोग स्वागत करने के लिए जा रहे हैं क्या लगता है कि इसका जो असर है बिहार के 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों का तो कहना है कि आ, दंगा करवाते हैं आ, ब, ब, भड़काऊ ऐसा बात करते हैं जिसे मतलब आपस में जो भाईचारा है वो उसको खराब करने की कोशिश करते हैं तो इन इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं भाई भाई में मारा मारी ये लोग करते हैं भाईचारा हम तोड़ते हैं एक ही पार्टी के पचहत्तर खेमा जनता दल के और जनता पार्टी के तोड़ के ये सब खंड खंड रहते हैं और हम लोग भाई भाई में तोड़ते हैं और हम लोग जात पात करने वाले हैं हम लोगों का तो अमित शाह जी आ रहे हैं आप देखना वो जो जन समर्थन जो आएगा और बिहार का आगाज हो रहा है पैंतीस प्लस सीट जीतने का सबका सफाया कर दे एक सवाल यह भी है कि पांच जन ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है बीजेपी के कई लीडर उस ट्वीट को देख लिए हालांकि थोड़ी देर में ट्वीट को डिलीट कर दिया गया क्या लगता है बिहार से वो कौन चेहरे होंगे जिनको केंद्रीय मंत्री ये म, ये मेरे जिम्मे नहीं है मैं नहीं बता सकता हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये केंद्रीय नेतृत्व तो समझें हम लोगों के जिम्मे ऐसा नहीं है मैं हल्की बात कोई नहीं करता हूँ और दूसरे के जिम्मे का कोई सवाल का जवाब मैं नहीं देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का इस बस इतना ही बने रहिए न्यूज नेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए धन्यवाद